हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, काउजेटिव वर्ब पांच होते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब तक हमने मेक, गेट और हैव का इस्तेमाल सीखा है। आज हम काउजेटिव वर्ब लेट एंड हेल्प का इस्तेमाल सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, गेट का एज ए काउजेटिव वर्ब हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई किसी को कुछ करने देता है, यानी कि अनुमति का अर्थ निकलता है इसमें। ओके फ्रेंड्स, और हेल्प का इस्तेमाल एज ए काउजेटिव वर्ब तब करते हैं जब कोई किसी को कुछ करने में मदद करता है। अभी हम आपको बहुत सारे सेंटेंसेस का एग्जांपल देकर एक एक करके हम समझाते जाएंगे। बहुत ही ईजी है, आसान है, बस ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं काउजेटिव वर्ब लेट का इस्तेमाल, किसी को कुछ करने देना। ओके फ्रेंड्स, मेरे भाई ने मुझे अपना मोबाइल लेने दिया। यहाँ पर मेरे भाई ने मुझे क्या करने दिया, अपना मोबाइल लेने दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। बाकी कॉजेटिव वर्ब की तरह इसमें भी लेट ही एज अ मेन वर्ब होता है, और दूसरा जो वर्ब होता है, जो बेस वर्ब बोलते हैं, वो उसमें बदलाव हम नहीं करेंगे टेंस के हिसाब से। जब भी चेंजिंग करना होगा वो लेट में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और याद रहे कि लेट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होता है, लेट लेट लेट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम सेंटेंसेस बनाते हुए एक एक करके समझते जाते हैं। मेरे भाई ने मुझे अपना मोबाइल लेने दिया। माय ब्रदर लेट मी टेक हिज मोबाइल। उसने मुझे नहीं जाने दिया। ही डिड नॉट लेट मी गो। ओके फ्रेंड्स, ही डिड नॉट लेट मी गो। यहाँ पर डिड क्यों आया, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव होते हैं उसमें हम डिड लगाकर बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ही डिड नॉट लेट मी गो। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि क्या उसने तुम्हें जाने दिया, डिड ही लेट यू गो। बहुत ही सिंपल है, बस आप सेंटेंसेस को देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। अगर हम इसी को फ्यूचर में बनाते हैं तो कि वह तुम्हें नहीं जाने देगा, ही विल नॉट लेट यू गो। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर लेट एज अ मेन वर्ब ही इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब लेट का ही इस्तेमाल करेंगे, और जैसा टेंस होगा टेंस के हिसाब से फिर हम उसका फॉर्म रखेंगे वहां पर। ओके फ्रेंड्स, और भी सेंटेंसेस लेते हैं। वे लोग मुझे नहीं आने देते हैं, दे डोंट लेट मी कम। तुम्हें उसे पढ़ने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम रीड। आपको उसे खेलने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम प्ले। आप उसे पढ़ने दे सकते हो, यू कैन लेट हिम रीड। क्या वह तुम्हें वहाँ बैठने नहीं देता है, Doesn't he let you sit there? मेरे पिताजी मुझे बाइक नहीं खरीदने देते हैं। My father doesn't let me buy bike. उसने तुम्हें क्यों नहीं आने दिया, Why did he not let you come? क्या वह तुम्हें खाने नहीं देता है, Does he not let you eat? फ्रेंड्स, इसी तरह से जिस तरह का टेंस होगा, जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसी टेंस का हम रूल्स फॉलो करेंगे। बट फिर से याद रहे कि वहाँ पर एज अ मेन वर्ब हमेशा लेट का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये था लेट। अभी हम देखेंगे काउजेटिव वर्ब हेल्प का इस्तेमाल। हेल्प का इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है, आपको मैंने प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में भी सिखाया था, जैसे वह इंग्लिश सीखने में मेरी मदद करता है, तो ही हेल्प्स मी टू लर्न इंग्लिश। इसमें हम
ही हेल्प्स मी लर्निंग इंग्लिश भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हेल्प जो है एज अ मेन वर्ब ही इस्तेमाल होता है, जैसे बाकी सारे कॉजेटिव वर्ब जितने भी कॉजेटिव वर्ब हैं जब सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तब उस सेंटेंस में वो एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसने वहाँ पहुँचने में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी टू रीच देयर। क्या वह काम पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगा? विल ही हेल्प यू टू कंप्लीट द वर्क? क्या तुम आम तोड़ने में मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी टू प्लक मैंगोज? उसने उसकी वहाँ पहुँचने में मदद नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प हिम टू रीच देयर। वह तैरने में मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी टू स्विम। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक बहुत ही इजी रहा होगा आपके लिए समझने में, और काफ़ी इजी है भी, बहुत ही मुश्किल नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है इसमें। तो वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर किया कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि टॉपिक समझाना, स्ट्रक्चर बताना और एक्सप्लेन करना ये हमारा काम है और प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो इतने सारे सेंटेंसेस बना बना कर मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे काफ़ी अंदाज़ा मिल जाता होगा आप, और सेंटेंसेस को समझने में भी आसानी होती होगी। और उसी तरह से अगर आप खुद बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट करके और उसका इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे, और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।